क्या आपने कभी ये सोचा है कि नेत्रहीन लोग यानी ब्लाइंड पीपल अपने सपनों में क्या देखते हैं, या फिर वो सपना देखते हैं या नहीं? इस बात को जानने के लिए डेनमार्क में एक सर्वे कराया गया जिसमें नेत्रहीन लोगों का इंटरव्यू लिया गया। इससे इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाला बात सामने आया, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कुछ खास बातें। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टब यूट्यूब चैनल। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम ज्यादातर गुजारे हुए पल में जो कुछ भी देखते हैं वो सपनों में भी देखते हैं। जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड को सपनों में चलते दौड़ते और बातें करते देखते हो, लेकिन एक अंधा व्यक्ति जो अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं देखा वो अपने सपनों में क्या देखता होगा? इसका जवाब डेनमार्क में हुए उस सर्वे से पता चला। उसमें उन नेत्रहीन लोगों ने बताया कि जिस तरह वो रियल लाइफ में कुछ नहीं देख पाते हैं, उसी तरह वो सपने में भी कुछ नहीं देखते हैं। वो सिर्फ सपनों में आसपास के सुने हुए आवाजों, जैसे कुत्तों का भौंकना, गाड़ियों की आवाजें, दोस्तों से की गई बातों को सपनों में सुनते हैं। कुछ नेत्रहीन लोगों ने सपनों में महसूस करने का भी जिक्र किया, जैसे बारिश के बूंदों को महसूस करना, तेज हवाओं को महसूस करना और अपने पेट डॉग्स के सॉफ्ट फर को महसूस करना। ये तो बात हुई जो जन्म से ही नेत्रहीन है, लेकिन जो बचपन से अंधे नहीं होते हैं, यानी जिसने अपने लाइफ में कभी न कभी वास्तविक दुनिया को अपने आँखों से देखा है, वो अपने सपनों में क्या देखते होंगे? इसका जवाब भी उन नेत्रहीन लोगों ने दिया जो जन्म से अंधे नहीं थे। उन लोगों ने इंटरव्यूज में ये बताया कि आँखों को खोने के बाद वो कुछ सालों तक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ही सपने देखते हैं, पर फिर एक समय ऐसा आता है कि वो अपने सपनों में सिर्फ किसी भी चीज़ों की इमेजेस ही देख पाते हैं। उनके सपनों में से जैसे मोशन गायब सा हो जाता है, एग्जैक्टली जैसे आप अपने मोबाइल फोन्स में इमेजेस को देखते हैं, और एट लास्ट कुछ सालों बाद वो इमेजेस भी उनको क्लियर नहीं दिखाई देता, और फिर धीरे धीरे उनको सपने आना बंद हो जाता है।